जिला पंचायत सभागार में जिला शिक्षा समिति की बैठक हुई संपन्न, सभी प्राइवेट स्कूल की मान्यताओं पर की गई चर्चा। मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में स्कूल की मान्यताओं को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में जिले में संचालित होने वाली ज्योति स्कूल चर्चा का विषय रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार संचालित होने वाली ज्योति स्कूलों को 7 दिन के अंदर मान्यता को साबित करना होगा, ऐसा नहीं होने पर सभी स्कूलों में तालाबंदी कर दी जाएगी। तो वहीं इस बैठक में जिले में सभी प्राइवेट विद्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों की सूची तथा डीएड बीएड की जानकारी पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों में सीबीएसई और एमपी बोर्ड की एक ही किताब होने की बात भी कही गई। इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा हमारे सभी सदस्यों ने रखा है तो आज ज्योति स्कूल को लेकर के रखा है। इसमें जो कि हमने देखा है कि बिना मान्यता के ये 8वीं तक स्कूल चला रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन मैं देख रही हूँ कि आज अभिभावक सब परेशान होकर, कई अभिभावक मेरे घर भी आए और उन्होंने इस बारे में बात की कि मैडम हमने फीस भी जमा कर दी और अब हमको जो सूचना मिलेगी है तो इसकी मान्यता ही नहीं है। तो आज हमने सभी सदस्यों ने अपना प्रस्ताव रखा है और हम सब मिल करके आज इसको हम उसमें रखे हैं और हमारे डीओ साहब भी बोल रहे हैं कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ, एक हफ्ते का हमने समय भी दिया, डीओ साहब को हमने बोला है कि आप उनसे लीजिए, अगर वो देते हैं मान्यता उनको मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो हम सब मिल करके एक्शन लेंगे और हो सकेगा तो हम सब मिल करके स्कूल में ताला भी लगवाएंगे और इसमें जो भी फीस वो बच्चों की फीस वापस कर, और बच्चों की जो फीस उन्होंने पहले से जमा करवा ली और बच्चों को के अभिभावकों को गुमराह करके, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो समझ सोच रहे हैं कि है मान्यता, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे और उनकी फीस वापस कराने का। ज्योति स्कूल दीवा में कई स्कूलें हैं क्या? सभी? हाँ सभी स्कूल हमने सभी जो भी प्राइवेट स्कूलों में ऐसा हो रहा है जो केवल जिले में चल रहा है, बहुत सारी, अभी मैं डीओ साहब से बात करूंगी कि बहुत गांव में मैं देख रही हूँ कि आज गांव में दो चार स्कूल प्राइवेट जो है, इसी वजह से आज हमारी सरकारी स्कूलों में बच्चे कम होते जा रहे हैं, इसका कारण यही है।